एवरीबॉडी यू आर वाचिंग ब्राउन ब्यूटी सिमार एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज हम करने वाले हैं अफोर्डेबल फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन ताकि हम हमारी स्किन को फ्लॉलेस फेक कर पाएँ ये जो वीडियो है मेरे चैनल पे मोस्ट पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है सो आज मैंने क्रिएट की है अफोर्डेबल वन आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना कमेंट जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने ये चेहरा पहली बार देखा है तो मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मैं ज़्यादा ही प्यारी लग गई तो मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लेना मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और अब विदाउट फर्दर ड्यू हम फाउंडेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आई होप ये फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन आपकी हेल्प करेगा और कौन से प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ एंड शेड्स के साथ सो विदाउट फर्दर लेट्स बिगिन द फर दूट दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे सनस्क्रीन से नॉट सनस्क्रीन या सनस्क्रीन या। किया सनस्क्रीन के लिए मैं शशीरों की सनस्क्रीन यूज करती हूँ क्योंकि ये ईजी है सो so, हम हैंड पे स्प्रे करेंगे एंड पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेंगे अगला स्टेप है जो आजकल मेरा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि इससे मुझे काफ़ी डिफरेंस फील होता है वो है ये एम्ब्रॉलेस uh, क्रीम जो कि बहुत सारे लोग एज अ प्राइमर यूज़ करते हैं सो so, इसे मैं यूज़ करती हूँ एज अ प्राइमर मेरी स्किन ऑयली uh, है बट डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है मुझे हमेशा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम है और दूसरी इसकी अच्छी चीज़ है कि ये आपके मेकअप बेस को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस कर देती है एंड आई हैव चिप ने सो आज ये हैंड लिया आएगा क्लीन कलर हैंड और राइट मैंने नील पॉलिश को रिमूव कर लिया है और एक बहुत ही पतला सा कोट लगा लिया है अब हम स्प्रेड करेंगे ये और मेरी नेल प्रिंट अभी गिली है इस क्रीम को मैं सिर्फ एज अ प्राइमरी यूज नहीं करती हूँ रात को सोने समय मैं इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी लगा रही हूँ मुझे बहुत मज़ेदार लग रही है ये और यहपेंसिव है बट अच्छी है तो हमारा प्राइमर हो चुका है अब अगला स्टेप होने वाला है कंसीलर कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी फिटमी का कंसीलर जिसके शेड का नाम है फॉर्टी कैरमल इसको मैं लगाऊंगी मेरे स्कार्स पे राइट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखे तो आपको क्या करना है कि अपनी स्किन केयर पर थोड़ा ध्यान देना है स्पेशली मेकअप पहनने से पहले कोशिश करें कि आपकी स्किन को आप एक्सफोलिएट कर लें अगर आप अपने फेस पे शेव करते हैं लाइक अगर आप चाहते हैं तो अपने फेस के हेयर रिमूव कर लें क्योंकि अगर हेयर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश आती है और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं मेरे फेस को हेयर रिमूव करती हूँ शेव से Uh, मेरे क्या उसके बारे में व्यूज़ हैं उसकी मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है सो so, अगला स्टेप होता है मैं मेरी आईज को कर लेती हूँ पर मैं आज मेरी आईज नहीं करने वाली हूँ पहले सिर्फ मेकअप uh, करके कर दिखाने वाली हूँ फुल फ्लॉलेस फिनिश वाला सो so, यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेट करनी है कि आपका जो कंसीलर है वो सेट हो जाए अगर आप लगाते ही ब्लेंड कर लेते हैं तो वो रिमूवज रिमूव हो जाता है जगह से और उतनी कवरेज नहीं आती है सो ये बहुत बड़ी मेरी टिप है कि मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ लाइक थर्टी सेकेंड वेट करती हूँ कि उसको थोड़ा सेट होने दूँ जब मुझे है कि सेट हो जाएगा लाइक थर्टी फोर्टी सेकेंड हो चुके हैं तो मैं ब्रश लेती हूँ जैसे मार्फिका ई फोर्टी फोर ले रही हूँ आज मैं ज्यादा ब्रशेज में नीचे लेके गई हूँ क्लीन करने के लिए और मैं सिर्फ मेरे पास थोड़े से ब्रशेज हैं आज और यस मेरे फेवरेट मेकअप ब्रशेज पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी नॉट फेवरेट जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं मेकअप एप्लीकेशन के लिए एक्चुअली मेरे पास में बनाई थी पर हम एक फ्यूचर में नहीं बनाएंगे ओके okay, अब हो गए हो, होंगे हो, इनफ इसको सेट हुए समय सो so, मैं ब्रश से डबिंग मोशन में इस कंसीलर को जगह पे ही सेट कर दूँगी हमें स्प्रेड नहीं करना है सो so, जहाँ पे मैंने इसको लगाया है उसी जगह पे इसको ब्लेंड कर लूँ इसको बोलते हैं स्पॉट कंसीलिंग इसके लिए आप छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ताकि सिर्फ स्पॉट ही कंसील हो पर मैं बड़ा कर रही लूँ बिकॉज आई रियली लाइक दिस क्योंकि जो मेरे स्कार्स हैं वो फैले हुए हैं अगर छोटे छोटे स्कार्स हैं तो छोटा सा ब्रश यूज़ करें डाब 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 कंसीलर का काम हो चुका है अब हम लगाएंगे फाउंडेशन कुछ ही समय पहले मैंने फाउंडेशन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूज किया था फिटमी सो so, आज हम फिटमी नहीं करेंगे आज मेरे पास यूज करने के लिए दो ऑप्शन है क्योंकि ये ड्रग स्टोर वीडियो है सो so हम अफोर्डेबल ही प्ले करेंगे सो so, मेरी पहली ऑप्शन है ये मिलानी का फाउंडेशन जिसका नाम है कंसील प्लस परफेक्ट और जो शेड मैं यूज कर रही हूँ उसका नाम है नेचुरल बेस्ड इधर मैं ये यूज कर सकती हूँ ये बारह डॉलर का है और ये आई थिंक सिक्स सेवन का है यह है wet एंड वाइल्ड का फाउंडेशन इसके शेड का नाम है डेजर्ट बेस ये दोनों बहुत अच्छे फाउंडेशन हैं इनमें से कोई भी मैं यूज कर सकती हूँ कौन सा यूज किया जाए ओके वेट एंड वाइल्ड कर लेते हैं आज या मिला नहीं वेट एंड वाइल्ड कर लेते हैं सो so, इसको शेक कर लेंगे सबसे पहले कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए ऑलराइट right, इसको हम खोल लेंगे और मेरे फेस पे लगा लेंगे सो so, मैंने एक ही बार निकाल के एक एक ब्रश को सारी तरह फैला लिया है अभी भी इस पर है अब इसको सेम तरीके से हम डबिंग मोशन में ब्लेंड कर लेंगे सारे चेहरे पे और इसका कलर देखें मेरी स्किन पे ऐसे लग रहा है कि मेरी ही स्किन है बहुत ज़्यादा अच्छा मैच है ये मेरी स्किन पे मैं शेड का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी अगर आप चाहते हैं तो हम डबिंग मोशन में बहुत ही लाइट हैंड से इससे सारे चेहरे पे ब्लेंड कर लेंगे अगर आपका फाउंडेशन का मैच इतना अच्छा हो तो आपको ज़्यादा गर्दन पे मेकअप करने की जरूरत नहीं होती है। ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसको ब्लेंड करना बहुत आसान है इसकी लास्टिंग पावर बहुत अच्छी है इसका कलर मैच बहुत अच्छा है और ये अफोर्डेबल है काफी सारी क्वालिटीज़ हैं इसमें अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करें और इसकी फिनिश नेचुरल साटन जैसी है लाइक कोई ग्लोई नहीं है ज़्यादा और मैट नहीं है अच्छी नेचुरल फिनिश है इसकी सो सारी स्किन टोन्स वाले सारी स्किन की किस्मों के लोग इसको ट्राई कर सकते हैं सो so, वंस मुझे लगता है कि सारी तरफ ब्लेंड हो चुका है अब मैं थोड़ी सी फिर से वेट करूंगी इसको सेट होने के लिए और उसके बाद मैं हाईलाइटर यूज करूंगी मेरे फेस को हाईलाइट करने के लिए और राइट right, कुछ देर बाद मैं हाईलाइट करने वाली हूँ जो की है नेक्स का हाईलाइटर एच डी स्टूडियो फोरोजोनिक कंसीलर जिसका नाम है ना नाम नंबर है सी डब्ल्यू जीरो फोर इससे मैं मेरे फेस को करूंगी हाईलाइट ये फुल कवरेज एंड फ्लॉलेस रूटीन है तो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है जरूरी तो नहीं है वैसे मर्जी है आपकी तो हम हमारे नोज को भी कर लेंगे सो mm -hmm. so, हम हमारी चिन को भी कर लेंगे अपने फेस को फाउंडेशन को थोड़ा सा सेट होने दें पर इतना भी सेट नहीं होने दें कि अगला प्रोडक्ट उसमें मैच ना हो पाए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई होने देंगे तो दूसरा प्रोडक्ट अलग से दिखेगा सो so, एनी वेट ना करें ओके और राइट सो दिस इज़ डन अब इसको ब्लेंड करेंगे हम छोटे ब्रश के साथ क्योंकि उससे ज़्यादा क्लीन होगा अगेन मैं मॉर्फी का ब्रश यूज़ करी हूँ ई सेवन ये ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अभी मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है? जब मैं इसको डप डब करती हूँ तो इसके जो ब्रिसल्स है मेरी स्किन पे चुभते हैं सो ज़रूरत नहीं आपको ख़रीदने की है पर मेरे पास कुछ और है नहीं यहाँ पे तो इसी से काम चलाना पड़ेगा पर हम इसे भी डैपिंग मोशन में करेंगे सो ये वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन इतना अच्छा है कि उसके साथ कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है क्योंकि कई प्रोडक्ट है जिनके साथ दूसरे प्रोडक्ट अलग से दिखते हैं सो so, इस वेट एंड वाइल्ड की ये भी अच्छी खास बात है कि ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है किसी भी अदर प्रोडक्ट के साथ और ब्लेंडिंग पे खूब सारा समय स्पेंड करें कल ना करें दोस्तों क्योंकि फिर ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा आपका फेस जो भी दोस्त कहते हैं उनका फेस कीक लगता है या क्रैक आ जाते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह ब्लेंडिंग करते हैं सो प्लीज़ ब्लेंड करें अच्छी तरह फाउंडेशन हमारा ब्लैंड हो चुका है अब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है जो वो है फेस को सेट करना फेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदरवाइज़ कोई फ्लॉलेस नहीं होगा कोई टिकेगा नहीं और हर जगह ट्रांसफर होगा उसके लिए मैं ट्रांसलूसन पाउडर यूज़ करना पसंद करती हूँ सो बिकेज़ ये अफोर्डेबल है तो मैं रिमल लंडन का ट्रांसलूसन पाउडर यूज़ करूँगी मुझे मुझे फिटपिंग का ट्रांसलूसन पाउडर भी अच्छा लगता है ये भी आप ट्राई कर सकते हैं पर मैं आज रिमल लंडन का यूज़ करने वाली हूँ सो इसे हम लेंगे ऐसे बहुत ज़्यादा ले लिया है इतना ज़्यादा मतलब और इसके लिए मुझे ये एंगल सा ब्रश बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत प्रिसाइजली लगता है ये भी का है और इस पर नाम नहीं लिखा गया है तो ये ऐसा दिखता है इसको लेके फेस को सेट एकदम से नहीं करना है हमें फाउंडेशन को थोड़ा सा सेट होने देना है अगर एकदम से करेंगे तो फिर वो केक बन जाएगा बहुत सारे दोस्त ऐसे कर लेते हैं फिर वो कहते हैं कि केक फेस है थोड़ा सा से सेट होने दें जब आपको लगता है कि लाइक फिफ्टी सेकेंड्स हो गए तो फिर हम पाउडर लेके सेट करना शुरू करेंगे सबसे पहले मैं इस एरिया को सेट करती हूँ जहाँ पर मैंने हाइलाइट किया है मेरे फेस को सेट करने के लिए मुझे आ, निक्स का नो फिल्टर बहुत अच्छा लगता है पर वो मेरा फिनिश हो गया है और सोल्ड आउट है उनकी वेबसाइट पे भी सो so, ये बहुत प्रॉब्लम है पर या फ्यूचर में शायद मुझे मिल जाएगा सो so, हम इस एरिया को सेट करेंगे इसको करेंगे लेट अबेट यहाँ 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 और ये वाला एरिया मेरा थोड़ा सा वेट लग रहा है इसको नहीं हम सेट करेंगे अभी थोड़ी देर बैठते हैं ऑल तो इस एरिया को भी उसी पाउडर से सेट करूँगी पर क्वांटिटी थोड़ी कम क्योंकि हमें एक ही फेस नहीं चाहिए और जिनकी स्किन ड्राई है वो क्वांटिटी को बहुत ही ज़्यादा कम रखें अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा फेस वंस मैंने सारा एरिया सेट कर लिया है अब मैं मेरे फेस को कॉन्ट्रो करूँगी थोड़ा सा नेवलिन का सिटी ब्रांड जैसा टक्कन घूम गया है और एक छोटा ब्रश जो कि है मोरफी नाम ने लिखा ऐसा है ऐसा दिखता है ये और इससे मैं मेरे फेस को काउट्रो करूँगी थोड़ा सा हेयर लाइन पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अदरवाइज आपका अलग से मेकअप दिखता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो हेयर लाइन पर जरूर से करें और आइट दिस इज डन आई नो कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है पर टोन वरी सारा कुछ सेट हो जाएगा मैं जल्दी से क्विकली अपना आई मेकअप करके वापस आती हूँ और बाकी की जो स्टेप्स हैं वो मैं तब आपको दिखाऊँगी सो आई आईल और आई दोस्तों सो आई एम बैक विद माई आई मेकअप ऑन एंड लिपस्टिक और इसकी मैंने वीडियो शूट की है और लिपस्टिक पे पूछिए मत मैंने कौन सा शेड लगाया मैंने तीन डिफरेंट शेड्स लगाए हैं और अब क्या बारी आती है मैंने आई मेकअप करने के बाद मेरे पाउडर को रिमूव कर लिया था अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर टोटली स्किप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो मिलानी का जो हाइलाइटर है शेड है सन ग्लो जीरो थ्री इसे मैं मेरे चेहरे पे लगाऊंगी जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था उससे मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये जो ग्लो है ऐसे लगे कि मेरे चेहरे से ही निकला है सो वंस आई डन विद दिस अब मैं मेरे नोज के हाईलाइट को फिंगर से सिर्फ यहाँ टिप पे लगाऊंगी कि ओवर नहीं लगता है तो आपका नोज अजीब लगता है सो so आपको बहुत ही थिन लाइन चाहिए या तो आप ब्रश के साथ करें ज्यादा अच्छा रहेगा सो ये ऑल मेरे फेस मेकअप का आई एम डन विद माई फेस मेकअप पर लास्ट में मैं क्या करती हूँ स्प्रे कर, कर लेती हूँ मेरे चेहरे को ताकि जो भी मैंने किया है लॉन्ग लास्ट हो जाए मे की लास्टिंग फिक्स परफेक्ट है इस काम के लिए अफोर्डेबल है और मेकअप uh, को ऐसे रखेगी हमेशा सदियों तक और यस yes, इसको मैं स्प्रे कर लेती हूँ मेरे चेहरे पे और मेरे बालों पर भी अभी हो जाती है और मेरे बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता पर ही बचाते हुए कर लेंगे <laughs> क्या ढूंढ रही हूँ मैं यू माई रास्क पक्का सो पक्खा चल लो एंड यू आर डन सो so येस yes, ये हो चुका है हमारा ब्यूटीफुल फ्लॉलेस फेस मेकअप सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल थे आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा अगर आपको मैं अच्छी लगी हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी है या मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को अगर आप मेकअप से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बार में छोड़े मैं उस पर ही काम करूंगी मैं मिलूंगी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग All you have to do is think about it and take action. That's easy, right? I love you guys so much. Bye!